दिल्ली फ्रॉम ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से अब हम आ गए हैं और हम हमारी शुरू हो रही है दिल्ली में मस्ती। तो ऋषिकेश तो आपने देखा ही कितना मज़ेदार था। अब हाँ, वैसे तो दिल्ली दिल है पूरे देश का, बट यू नो दिल्ली में भी एक दिल है और वो है कनॉट प्लेस। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली का दिल एक्सप्लोर करने और देखते हैं कैसे होने वाली है आज की हमारी शाम दिल्ली के दिल में, यानी कनॉट प्लेस में। तो अब हम पहुंच चुके हैं कनॉट प्लेस, और ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं मेरे राइट में, ये बिल्डिंग से ही कनॉट सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो कनॉट सर्कल से थोड़ा सा आगे ही है हनुमान मंदिर, जहां हम हमारी पहली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं कनॉट प्लेस में आज की शाम की शुरुआत करने। कनॉट प्लेस पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि कनॉट प्लेस में कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। जैसे कि ये दिल्ली का दिल है तो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर आपको 3 मेट्रो स्टेशन मिल जाएंगे कनॉट प्लेस में एंट्री के लिए, जैसे कि राजीव चौक, 12 खंबा रोड और जनपद। उसके अलावा बसें तो बहुत सारी हैं ही। मैं गूगल मैप का लोकेशन भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। उप्स, अभी R15 में हमारी स्कूटी लगने वाली थी, बट बाय गॉड हम बच गए हैं, तो संभाल के चलना भाई। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। वैसे तो आज ट्यूसडे नहीं है, बट आस्था का भी कोई दिन नहीं होता है, तो हम चलते हैं मंदिर में, करते हैं हनुमान बाबा के दर्शन और फिर खाते हैं कचौड़ी। अंदर तो वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो आपको मैं बाहर से ही दिखा सकती हूँ। तक आने के लिए आपको मैंने रास्ते में बता दिया था कैसे आना है, तो चलिए चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छे हुए, बहुत शांति थी क्योंकि आज ट्यूसडे नहीं है, तो काफी शांति थी, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन के बाद यहाँ पर अब देखिए मंदिर प्रांगण में ही इस तरह की कचौड़ियों की दुकानें हैं, तो ये हनुमान कचौड़ी वालों से हमने ली है कचौड़ी। ये देखिए एकदम टेस्टी गर्मा गर्म कचौड़ी है, 30 रुपए की एक कचौड़ी है ये, और सब्जी मसाला वगैरह डाल के एकदम क्रिस्पी सी कचौड़ी है, तो हम खा रहे हैं कचौड़ी। तो हमारा शाम के स्नैक्स में आज है मंदिर की खास स्पेशल चटपटी मसाले वाली आलू की कचौड़ी। हमने कनॉट प्लेस जाके ये नहीं खाया, वो कुछ नहीं खाया। हाय गाइस, तो इस समय मैं हूँ कनॉट प्लेस में, तो मैं घूम ही रही हूँ पालिका, हम घूमने जा रहे हैं पालिका मार्केट। तो पालिका मार्केट के उधर ही है पालिका की NDMC पार्किंग। तो इस समय मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी है पालिका की NDMC पार्किंग में। ये मेरी स्कूटी है, देखिए जुपिटर एकदम मस्त थी मेरी जान। और यहाँ पर आपको पता है कि दिल्ली की सबसे सस्ती पार्किंग है ये, यहाँ पर मात्र 5 रुपये घंटे में आपको पार्किंग मिलती है। फुल डे भी आप खड़ी कर सकते हो, 5 रुपये पर घंटा ही लगेगा, बट यह है कि पर्ची मत खोलना, उसकी पेनल्टी वनल्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पालिका मार्केट। हाय गाइस, तो हम हैं पालिका की मार्केट में, और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है पालिका की ऊपर वाली मार्केट। एक मार्केट नीचे है जो अंडरग्राउंड है शॉप्स वाली, और एक ये है जो प्योरली दिल्ली की खास यानी कि लोकल वाली मार्केट है। तो ये देखिए मार्केट, यहाँ पर आपको जीन्स, टी शर्ट, लोअर्स सब कुछ एकदम मस्त से बढ़िया से रेट्स में आपको मिलने वाला है। देखिए ये मार्केट है, और यहाँ पर बॉयज़ के स्पेशली कपड़े मिलते हैं। तो भाई आप कुछ दिखाने वाले हो, खास शर्ट वगैरह दिखाएंगे एक आध? क्या प्राइस है इस शर्ट का? कॉटन में ये है ना, तो आप डिजाइन देख सकते हैं शर्ट का, और साइज वगैरह सारे अवेलेबल हो जाएंगे इसमें। टाइमिंग्स क्या है मार्केट के? सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ बॉयज के मिलते हैं, है ना? वो प्लेन शर्ट दिखाना, वो ग्रे वाली। हाँ तो ये फॉर्मल टाइप की शर्ट है, इसका भी प्राइस क्या है? इसका 350 प्राइस है, तो मात्र 350 में आपको फॉर्मल टाइप की शर्ट मिल रही है कॉटन की, साइज सारे मिल जाएंगे। थैंक यू भैया।
तो ये है हमारी मार्केट, और आपको एक बार मार्केट दोबारा दिखा देती हूँ सही से। पूरी ऐसे लाइन से लगी हुई है, आपको जीन्स लोअर टी शर्ट वगैरह सब कुछ बॉयज की सारी आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगी ही। मॉर्निंग 10 बजे से मार्केट शुरू हो जाती है। तो चलिए चलते हैं आप हम पालीगंज, और यही वो पार्किंग है गाइस इधर मैंने अपनी स्कूटी लगाई थी, सबसे सस्ती वाली पार्किंग का नॉट प्लेस में। इससे सस्ती पार्किंग आपको नहीं मिलने वाली है। गेट नंबर 2 और हम यहाँ से कर रहे हैं एंट्री। तो हम घूम रहे हैं कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में। तो आपको बता देती हूँ कि कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल है और वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, यहाँ पर ABCD करके ब्लॉक्स हैं। तो आपको जिस ब्लॉक में जाना है जहाँ पे, तो वो आप एक बार देख लेना। और आप देख सकते हैं कि माहौल देखिए कनॉट प्लेस का कि कितना कूल है। रात के 8 बजे भी फ्रीली लोग, लड़के लड़कियाँ, बड़े बूढ़े बच्चे सब घूम रहे हैं। बहुत अमेजिंग सा माहौल रहता है यहाँ पर हमेशा, और कभी आपको ऐसे फील नहीं होगा कि बोर, तो कभी आप हो ही नहीं सकते। उसके अलावा भी कभी अलोन फील नहीं होगा आपको कनॉट प्लेस में। तो इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है ना, तो आप इसके डिज़ाइन में खो जाओगे। जैसे सर्कल में ये जो पिलर्स वगैरह लगे हुए हैं और ये लाइटिंग और नाइट तो अलग ही इसको लुक देती है। तो आप अभी देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। प्लस आपको कनॉट प्लेस में आपको हर ब्रांड का शोरूम मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे। तो आपको शॉपिंग करनी है, मज़े लेने हैं, तो उसका भी पूरा अरेंजमेंट है। और जैसे कुछ लोग होते हैं, हर कोई ब्रांडेड शोरूम्स में तो नहीं जाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर इस तरह के आपको लोग मिल जाएंगे जो ऑन रोड सामान सेल करते हैं। तो हर किसी के बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। सबके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है कनॉट प्लेस में। तो कनॉट प्लेस एक बहुत ही बढ़िया जगह है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर, घूमने की भी कोई जगह कमी नहीं है। और आराम से बैठने के लिए यहाँ पर आप इस तरीके से आराम से चिल करके साइड में बैठ सकते हो, और कहीं भी बैठ सकते हो, बैठने की कोई कमी नहीं है। हर जगह आपको इस तरह से मिल जाएगा बैठने के लिए। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी है कि आपको जगह जगह आपको मोबाइल फ़ोन, आजकल एंड्रॉयड लेके सब कोई घूम रहा है, तो इस तरह के आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह के यहाँ पे साइन पोर्ट्स हैं। यहाँ पर आप अपने USB लगाइए, यहाँ पे फ़ोन रखिए और मस्त चार्ज होने दीजिए। वाईफाई भी यहाँ पर आ रहा होता है, तो वाईफाई का भी मज़ा लीजिए, और फ़ोन की चार्जिंग तो आप कर ही रहे हैं। पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। रुचिता। अच्छा, आप कहाँ, दिल्ली से? दिल्ली में रहते हो? चलो ठीक है, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आसान से पूछ लेना। आप कहाँ के रहने वाले हो? कृष्णा नगर, दिल्ली में ही ना। अच्छा ये मुझे बताओ, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? चलो ठीक है, एक बता दिया भाई, एक बता दिया। लड़की बिल्कुल अपडेट है भाई। और इन भाई को दोनों टिकट दे दिए। सब्सक्राइब कर देना गाइस, जितना भी है।
अगर गाइस आपको केदारनाथ का ट्रिप देखना है, क्योंकि केदारनाथ अभी भी खुला है, अगर आपको देखना है तो आप इनके चैनल पे चले आना, मैं इनके चैनल का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए पीस, बाय।